हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ना वहाँ जा रहे हैं, हम गांव जाने के चुप रह रहे। आज हम ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के योगा कंपटीशन में जा रहे हैं। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। मेरे आसन लगते भी नहीं है, तेरे भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा लगते हैं। और हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है एटीएम से। वंदना जरा पिन बता दे सबको, अभी हम रुपए निकालने आ रखे हैं। मन नहीं कर रहा जाने का, पर फिर भी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, घूम के नहीं। क्या बोला तूने? रुपए निकालने नहीं आ रहे, क्या करेंगे। तो अभी दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं वहाँ, क्या क्या होता है, आपको भी बताएंगे। देखते हैं कैसे फर्स्ट आता तुम्हारा भाई। फर्स्ट रात तक हमारा कोई भी प्लान नहीं था कंपटीशन में जाने, पर सुबह भैया ने हम सबको सेंटर बुलाया था। पहले तक तो सबने मना कर दिया था, फिर बहुत सोच विचार के बाद हमने सोचा चलो चले ही जाते हैं। 9 बजे तक हमें निकलना भी था, तो इसलिए वंदना मुझे फटाक से एक बार घर छोड़ देती है। घर पहुंचकर एक बार पहले तो मैंने अपनी बहन की गाली खाई कि तू पहले क्यों नहीं बताती है। पर फिर जब तक मैं नहा धो के तैयार हो गई, तब तक इन्होंने मेरे लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया। फिर मैं जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके निकल जाती हूँ। मैं घर से बाहर निकली थी कि तब तक आशा मुझे लेने पहुंच जाती है, और फिर हम तीनों उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज हमें 2 चुटिया बनानी थी और मुझे ये वाली बिल्कुल भी नहीं आती। फिर हम लोग बाल बनाते हैं और आशा की मम्मी हमारे लिए चाय। तो तब जल्दी से चाय खत्म करके हम निकल जाते हैं पतंजलि सेवाश्रम मूल्य गाँव के लिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पतंजलि के कॉलेज में। पतंजलि कॉलेज, आसन लगते नहीं है पर फुल कॉन्फिडेंस। हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब आसन लगेंगे। पता नहीं लोग आ चुके होंगे कि नहीं आ चुके होंगे, देख के बताते हैं। पतंजलि के बच्चे तो क्या बोल रहे हैं, पतंजलि के बच्चे ऐसे 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 वाले हैं। हमारे आसन ही नहीं लगते हैं। अब देखते हैं, गोली आशा तो पहले चले गए, हम जाते हैं क्या क्या होता है यहाँ। ये देखो ये है गेट, पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये क्या पूछ रहे हैं, मिली जाएगी वैसे तो। देखो चले गए, ये हैं हम चारों के चारों। रोहित नहीं आ रखा है क्योंकि उसने रुद्रप्रयाग से खेल लिया है और हम प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसने, और हम जज भी बना था भाई वो सच में। और ओह माय गॉड, वाओ, अभी चुप रह। आज हम चारों टिहरी से खेल रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है कुछ नहीं करने वाले। 2 चुटिया बना रखी हमने। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे, उसके 15-20 मिनट बाद कंपटीशन शुरू हो गया था। तभी हमारा वो हो गया है क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कंपटीशन हो गया और हम मजे कर रहे, अभी हम मजे कर रहे हैं। और नीचे इतनी मतलब बहुत ज्यादा बारिश आ रही है और नदी इतनी ज्यादा उफान पे आ रही है। और आज हम तीनों ने चोटियां बना रखी है। शनिवार फिर मुझे काला बोल रहे, काला बोल रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। गाइस सुनो, हमारे तो कपड़े काले हैं। ऐसे भी अरे काला भाई, काले गोरे में भेद नहीं होना चाहिए, काले गोरे में भेद नहीं होना चाहिए। मैं दिल से साफ हूँ तुम्हारी तरह मलिन चित्त लेके मैं नहीं घूमती हूँ, ठीक है ना। दिन भर अब इधर का नहीं रहा तो कुछ और भी तो बोल भाई। क्या बोल तुम बना, कुछ नहीं है इसके। वैसे आगे के बाल गायब है ना, इसलिए इसलिए। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा। नीचे बाहर दिखा, नदी भी तो दिखा कितनी आ रखी है, कितने मौसम कितना प्यारा हो रखा है। ये यहाँ का मौसम और नदी बहुत सुंदर, यहाँ बड़ा सुकून है। Thank you.
अभी हमारा सब कुछ हो गया है कंप्लीट। मेरा डांस देख, इसका डांस देखना आप, मैंने डाल रखी होगी वीडियो। तो अभी हमारा सब कुछ हो गया इसलिए हम जा रहे हैं खाना खाने। प्लेट पूजा खाने को देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ यहाँ से देखो अलग नंदा और चमका दिया इन्होंने भात रोटी। तो अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं। चल वंदना बता कैसे लगा तुझे खाना? भाई बहुत टेस्टी खाना हो रहा था एकदम। अगर ऐसा खाना हॉस्टल या पीजी में मिलता है तो बिल्कुल बुरा नहीं है। हॉस्टल पीजी वो भी सात्विक, उसमें ना प्याज था ना लहसुन था, कुछ भी नहीं था और उसका स्वाद एकदम टेस्टी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा था। ना ऑयली ना ज्यादा तीखा, एकदम नमकीन भी ज्यादा ना, मस्त था। हलवा भी खाया, हलवा कितना टेस्टी हो रहा था। ऐसे हलवा भी याद है मैं खाई, इतना टेस्टी हो रहा था कुल मिला के, बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया। हमें लगा था छूट जाएगा पर इतना टेस्टी था, हमने पूरी थाली से। दिखाती हूँ मैं यहाँ कैसा है, शायद हॉस्टल है ये 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 ये, ये यहाँ। और ये बोल रही कि यहाँ बस गर्ल्स रहती हैं। हाँ शायद यहाँ गर्ल्स ही रहती हैं क्योंकि बॉयज तो मुझे दिखे नहीं, गर्ल्स ही रहती है ना यहाँ। यहाँ देखो ये झूला, अब मुझे इसमें जाना है, जरा झूला खेलते हैं जा, अभी झूला खेलेगी। चप्पल निकालना, बिना चप्पलों के जब बस। कितना अच्छा है यहाँ सच में, गिरना मत। झूलेगी कैसी आ रही है झूले पे? अभी ये दोनों चढ़ रहे हैं झूले पे, हमने इतने मजे किए पर इन्होंने हमारी वीडियो बनाई नहीं, बहुत गंदे लोग हैं। थोड़ा सा झुला दे वीडियो बनाने के लिए। पहले तक सिर्फ मैं और वंदना ही झूल रहे थे, फिर ये सब बाकी लोग भी आ जाते हैं और उसके बाद हमने इतने मजे किए कि क्या ही बोलो। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही थी पर तब भी हम झूले ही जा रहे थे। किन्स लोग आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक झूल रहे हैं, खुद को ही झूला देते हैं। बहुत वो जो दो लड़कियां सबसे पहले झूल रही थी उनको देखा था? हाँ बहुत ऊपर तक जा रही थी वो, बैटरी थी ना। फोन नहीं रहता ना तुम लोगों के पास? नहीं। मजा आती है? हाँ, बहुत आती है। और रात को भी होती पढ़ाई? हाँ? रात को भी होती पढ़ाई यहाँ? हाँ, कितने बजे तक? रात तो हम अपना स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय? हम खाना कब तक हो जाता है? हाँ हाँ, अरे मेरे को नहीं आएगा ना फिर समझ में, 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, 8:30 बजे तक ड्यूटी लगते हैं, 9 बजे मतलब सुबह उठ के। सुबह कितने बजे उठते हैं? 3:45 पे रोज। अरे उसके बाद नहा धो के पूजा होती होगी? हाँ नित्य कर्म करके इधर आ जाते, योग करते हैं। हाँ योग करने के बाद नहाते हैं। अच्छा पढ़ाई कैसी कैसी होती है यहाँ? पढ़ाई सब सब्जेक्ट है, छुट्टियाँ कब कब पड़ती हैं? दीपावली के दिन 15 दिन। बाकी और समर वेकेशन कुछ नहीं, घर की याद नहीं आती? बात हो जाती है 2 महीने में, 15 दिन। 2 महीने में कितने बार? एक बार होती है 15 मिनट। ओह सच में? कोई बात नहीं यार, अच्छे बच्चे हैं यार अभी भाई, संस्कृत सबको। हाँ संस्कृति इतनी अच्छी है इनकी, बहुत ही प्यारी। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय। सुना आप लोगों ने, फोन नहीं है इनके पास। आज के टाइम में जहाँ बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी थोड़ी देर के लिए अपने फोन से दूर नहीं रह पाते हैं, ऐसे युग में ये लोग बिना फोन के रहते। ये बस हिंदी ही नहीं इतनी प्यारी संस्कृत भी बोल रहे थे कि जिसको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जहाँ आज के टाइम में सब लोग इंग्लिश को अपना आधार बना बैठे हैं, वहीं ये लोग अपनी पुरातन भाषा को संजोए बैठे। बहुत सारा झूला झूलने के बाद और इन प्यारे बच्चों से खूब सारी बातें करके हमारे एक सर हमें यहाँ की प्रिंसिपल से मिलवाते। कुछ लोगों से बातें करके ऐसा लगता है कि ये बस बोलते ही रहे। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है यार। कुल मिलाकर आज का दिन मेरा इतना अच्छा रहा कि मैं बता नहीं सकती। सच में जो प्लान रेंडम बनते हैं वो एकदम सेट होते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, बहुत देर हो गई है। टाइम कितना हो रहा है? समय है 6:12। 6:12 और अब जाके हम घर जा रहे हैं बेचारे। बहुत मजा आया पर आ गया। आ सकते बाय।